चिंता विंता छोड़ो, वरी छोड़ो, एंड लेट इट फ्लो। जो चीज़ें आपके लिए होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। आप उनके बारे में वरी करते रहोगे, यूनिवर्स में गलत सिग्नल भेजोगे, पता नहीं आप डिस्टर्बेंस में, स्ट्रेस में, वरी में क्या गलत बोल दो। और यूनिवर्स को ना समझ नहीं आता तो थोड़ा सा आराम से। तो मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा मानते हो ना? यार मैं पूरी लाइफ मेरी मैनिफेस्टेड है। पर बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा, लाइक तुमने इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है? मैंने बहुत बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। आई टेल यू वन थिंग, सो आई थिंक आई वाज इन क्लास 8th, उस टाइम पे न्यूयॉर्क की एक मॉडलिंग एजेंसी थी एलीट दैट केम टू इंडिया। आई सॉ दैट आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर दैट एलीट हैज़ ओपन्ड इट्स ब्रांच इन दिल्ली एंड बॉम्बे। आई सॉ दैट इन 8th स्टैंडर्ड। आई सेड दिस इज द एजेंसी दैट आई वांट टू जॉइन। ओके। आई थिंक आफ्टर 7-8 इयर्स और फ्यू इयर्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एलीट एंड आई सेड दैट वी वांट टू साइन यू फॉर 3 इयर्स। वाओ। सो थिंग्स हैपन एज लॉन्ग एज यू से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड यू फील इट, थिंग्स हैपन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, वो क्या करें, वो सोचते नहीं है कुछ, उनका मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है? उनका चिल चल रहा है लाइफ में, नहीं सोचते, चिल चल रहा है, दे जस्ट चिलिंग। उसकी एक स्टोरी है बहुत बढ़िया, सम टाइम्स आई आल्सो फॉलो दैट। या तो देयर वाज अ फिशरमैन, उसने अपनी मछलियां पकड़ी, एक दिन का कोटा खत्म किया, दोपहर को 12-1 बजे तक कर लिया, उसके बाद अपनी बियर लेके बैठ गया अपने बोट पे, चिल कर रहा है। दूसरा फिशरमैन आता है उसके पास, बोलता भाई व्हाट आर यू डूइंग, I'm chilling. Why are you chilling, bro? He said, I did what I was supposed to do. I did my job today. Now I'm chilling. He said, देखो, अभी तुमने आधे दिन में अपना काम खत्म कर लिया. You had time. You could have gone for the another round. ठीक है, और मछलियाँ पकड़ के ला सकते थे. He said, तो फिर उससे क्या होता? तुम्हारे पास ज़्यादा मछलियाँ होती, तुम ज़्यादा मछलियाँ बेचते, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आते. तो फिर उससे क्या होता? कहता तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आते तो तुम और एक और बोट खरीद लेते। तो अच्छा फिर उससे क्या होता? बोलता फिर तुम्हारे पास दो दो बोट्स हो जाती, तुम और मछलियां पकड़ते, और पैसे आते। बोलता उससे क्या होता? बोलता तुम और बोट्स खरीदते और फिर और ज्यादा मछलियां आती। फिर बोलता फिर उससे क्या होता? फिर बोलते तुम्हारे पास तुम्हारी फिशिंग कंपनी बन जाती। बोलता अच्छा फिर उससे क्या होता? तुम्हारे पास इतने पैसे होते, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम चिल करते। तो वो What am I doing right now? यार प्यार बहुत सारी चीजें करवा देता है लोगों से। तुमसे क्या-क्या करवाया प्यार ने? अच्छा प्यार में तुमने क्या-क्या ऐसा किया जो तुम वैसे नहीं करते थे?